तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कुछ ऐसे पौधे, परमानेंट प्लांट्स जो नवंबर में, जिनकी कटिंग को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और क्योंकि इस समय वो अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, मतलब जो भी फ्लावरिंग सीज़न होता है वो मतलब उस प्लांट के एक्टिव मंथ्स होते हैं, और इस सीज़न में उनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो कुछ ऐसे पौधे मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला प्लांट जो आप ये देख रहे हो, ये मिर्ची गुड़हल। तो ये मिर्ची जो गुड़हल होता है वो इसी टाइम में जो है स्लीपिंग हिबिस्कस भी बोलते हैं। तो तीन कलर में आता है, रेड और वाइट और ये पिंक कलर आता है। तो इस तरह के आप प्लांट जो हैं, और ये परमानेंट प्लांट होता है, आपके साथ एक बार लगा लेते हो और तो साल साल बना रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने इस बॉटल में ये कटिंग लगाई थी, और बस कटिंग थोड़ी सी मोटी लेना है ताकि आपको अच्छे सक्सेस रेट्स मिलें। अगर एक कटिंग लगा रहे हो तो कोशिश करें आप थोड़ी मोटी कटिंग लें। इसके अलावा जो डेजीज होते हैं, जो पेरिनियल डेजीज होते हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाया, जैसे अब ये लाग डेजी है, ये अभी मैंने 2 ही दिन हुआ है इसकी कटिंग, ढेर सारी कटिंग मैंने जो है मदर प्लांट से प्रून करा था, तो मैंने सब इसमें लगा दिया। तो यहाँ पर ये वाली जो कटिंग है इसमें आप देख सकते हो ये फ्लावर ब्लूम भी किया हुआ है, और ये थोड़ा सा अभी डल हो रही है, लेकिन ये भी सब लग जाती है बहुत ही आसानी से जो है इस समय लग जाती। तो मैं कुछ कुछ कटिंग जो मैं ग्रो कर चुकी हूँ वो भी शेयर कर रही हूँ, कुछ मैंने लगा रखी वो भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हिबिस्कस क्लेई, या फिर ट्रॉपिकल हिबिस्कस भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल हिबिस्कस होता है वो भी इसी समय फ्लावरिंग करते हैं, हिबिस्कस क्लेई जो होता है, और इसकी कटिंग इस समय बहुत आसानी से लग जाती है। आप देखोगे तो छोटी छोटी सी कटिंग दोनों मैंने लगाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अपराजिता, तो अपराजिता भी आजकल बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, जहाँ भी पौधे हैं अपराजिता के। तो इस पॉट में मैंने 5 कटिंग लगाई थी, तो इसमें से जो है एक कटिंग नहीं चली, बाकी 4 चल गई। और कटिंग भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं लिया है, और बस छोटा सा एक ही नर्सरी वाला जो पॉट होता है, एक छोटा सा पॉट खाली पड़ा था। बस मिट्टी का ध्यान रखना है कि आप जब भी कटिंग लगाएं तो मिट्टी बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, ठोस मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब बलुई वाली मिट्टी, सैंडी सी सॉइल हो तो अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने फर्न लगाया है, और फर्न भी देख सकते हो, अब एक छोटी सी बॉटल में ये फर्न लगा दिया, ये फर्न भी चल पड़ा है। तो इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे। रीज़न ये है कि ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड आई है अभी, और ना ही बहुत तेज़ गर्मी है, तो टेम्परेचर डाउन हो गया। 30 डिग्री के डाउन जब टेम्परेचर होता है तो कटिंग बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पर बिगोनिया की कटिंग मैंने लगाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, और बिगोनिया के भी इस तरीके की जो मोटी मोटी जो ये टहनियाँ होती हैं, तो ये बिगोनिया की कटिंग आप लगा सकते हो। तो थोड़ी सी मोटी सी जो है स्टेम, बस तोड़ के एकदम सैंडी सी पॉटिंग मिक्स बनाकर आप उसमें लगा सकते हो। कलांचियों की बड़े आसानी से लग जाती है इस समय, और इस तरीके के जो हैंगिंग वैरायटी वाले जो कलांचे होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें जो पुराने प्लांट्स होते हैं उसमें रूट्स दिखी जाती हैं। तो बस इसकी छोटी सी कटिंग आपको लेना है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि मोटी कटिंग हो, मैच्योर कटिंग हो, कोई भी छोटी सी कटिंग, या फिर लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हो आप। इसी तरीके से इसी वाले जो है प्लांटर में मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ लीव से प्रोपोगेट किए भी कलांचों की वेराइटीज़ हैं, तो ये भी अच्छे से चल पड़े। तो कलांचों का तो ये होता है कि ये सकुलेंट होता है, तो ये लीव से भी प्रोपोगेट करा जा सकता है अगर प्रॉपर एक कटिंग नहीं मिल रही है तो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है पिंक जस्टिका, तो ये पिंक जस्टिका बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं इस समय, ये शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो ये जो इसका प्लांट था मेरा, इसके ये टहनी मुझसे ही टूट गई थी, तो इसको मैंने इस तरह से पॉट में लगा दिया था। और मिट्टी आप देखो, इस तरह की मिट्टी की मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल सैंडी सी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस कटिंग में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये भी अच्छे से लग गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हजारी मोगरा, तो ये हजारी मोगरा जो है बहुत ही सुंदर, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, बंचेस में ब्लूम्स आते हैं, और आजकल ही जो है इसमें फ्लावर्स आते हैं। गर्मियों में जहाँ भी ये पौधे रहे होंगे तो बड़े डल डल से रहे होंगे, काफ़ी सारे लोगों को मैसेजेस भी आए कि हजारी मोगरा इस समय जो है बड़े ख़राब हो रहे हैं, और कुछ जगह पे गर्मी ज़्यादा तेज़ पड़ने की वजह से ख़राब भी हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये मैंने थोड़ी मोटी सी कटिंग लगा दिया है, और ये ऐसे पॉली बैग जो पुराने रहते हैं गर्मी, उसी में लगा दिया और ये चल पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है हार श्रृंगार, तो हार श्रृंगार में भी आजकल फ्लावरिंग हो रही है। तो
जो बीज से, वैसे तो ये हाइब्रिड वैरायटी वाला है, यहाँ पर आप देखोगे ना ऐसे इसके मैंने तीन पतली कटिंग लगाई थी, पर मोटी कटिंग का सक्सेस रेट आपके सामने है। तो ये बात प्रूव्ड है कि मोटी कटिंग हार श्रृंगार की हो तो उसमें अच्छे सक्सेस रेट्स मिलते हैं, पतली कटिंग में उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लेमन वाइन, तो लेमन वाइन भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है ये, तो इसमें क्योंकि देखोगे आप टहनियों में कांटे से होते हैं तो लेमन वाइन भी बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरीके के जो भी प्लांट्स होते हैं ना वो इस समय छोटी छोटी कटिंग्स उनकी लग जाती हैं, जैसे ही कोलियस है तो कोलियस भी आप देखोगे ना उसकी टहनी तोड़ोगे ना तो हल्का सा सैप जैसा निकलता है इसमें, तो इसकी कटिंग भी कुछ लोगों से नहीं लग पाती है। तो जिनसे भी नहीं लग पाती है ना, कई लोग बोलते हैं कोलियस की कटिंग नहीं लग पाती, ऐसा आसानी से लग जाती, तो इस समय आप ट्राई करें आपको अच्छे सक्सेस रेट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मडागास्कर जैस्मिन की कटिंग लगा रखी है मैंने और इसमें देखो कितनी अच्छी ग्रोथ आ गई है। तो ये जो है मडागास्कर जैस्मिन है, होया है, इस तरीके के जो एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं तो उनकी भी आप छोटी छोटी कटिंग इस समय लगाओगे तो लग जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो फायर क्रैकर प्लांट है ये, फायर क्रैकर की कोई छोटी सी भी कटिंग आप लगा दो तो वो भी बहुत आसानी से इस समय लग जाती है। और यहाँ पर मैंने तीन चार कटिंग लगा रखी थी और इसमें आपको बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स मिलते हैं। इस तरीके की बस आप जो है ब्रांच ले लो इसकी, और छोटी भी हो तो भी चलेगा, ज़्यादा बड़ी ना हो, मैच्योर ना हो, तब भी आसानी से ये लग जाता है और देखने में काफ़ी सुंदर ये प्लांट लगता है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है और फुल सन में चलता है। बेस्ट बात तो ये होती है गर्मियाँ भी टॉलरेट कर लेता है, ज़्यादा एक्सट्रीम जो गर्मियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने मिंट लगाया हुआ पुदीना, कल ही मैंने इसकी कटिंग जो है शाम में, कल मैंने ढेर सारी जो है इसके मदर प्लांट से कट करके लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी, लैगी हो गई थी, तो इस समय जो है पुदीना जो है लगाया जा सकता है कटिंग से अगर लगाना चाहो आप। यहाँ पर ये जो है ये मैंने पहले लगाया था इस वाले पॉट में जो है, जो भी आप देख रहे हो ये सब कटिंग्स है, ये मैंने पहले लगाई थी और ये सारी की सारी चल पड़ी हैं। तो बस बहुत आसान होता है इस समय आप, क्योंकि मौसम मैंने जैसे बताया कि अच्छा हो गया है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं है ना, तो इस समय बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स मिलते हैं। और ख़ास तौर पर उन प्लांट में जहाँ पे जो बारिश में ज़्यादा ओवर वाटरिंग के खतरा होता है, ख़राब हो जाते हैं ना सकुलेंट टाइप के प्लांट, उस तरह के प्लांट ना इस समय अच्छे चलते हैं। जैसे ये देखो अब मैक्सिकन फ्लेम वाइन है ये, और मैक्सिकन फ्लेम वाइन भी कुछ जगह पे फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ जगह पे फ्लावरिंग अभी कुछ दिनों में होना स्टार्ट होगी, ये इसका फ्लावरिंग सीज़न है। और आप इसमें देखोगे इस समय कितनी अच्छी ग्रोथ है, इसमें मैंने तीन कटिंग लगाई थी इस बॉटल में और तीनों ही में अच्छी रूटिंग हुई, और इसकी जो ब्रांचेज अगर आप देखोगे तो सब ऐसे ना सॉफ्ट वुड टाइप की ब्रांचेज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह की आप कटिंग लेके लगा लो एकदम आगे वाली जो टिप की ग्रोथ वाली, तो वो भी लग जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डोनट कैक्टस है, अब ये डोनट कैक्टस का तो ये हाल है कि इस समय आप किसी भी गमले में बस इसका इस तरीके का जो कटिंग है उसको फेंक भी दोगे ना तो वो निकल आएगी, क्योंकि इस समय ये ग्रोथ करते हैं, जो सकुलेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं इस समय ग्रोथ करते हैं ये, तो ये बहुत अच्छा टाइम है ऐसे प्लांट लगाने के लिए जो कि विंटर में जो है जब ज़्यादा तेज़ ठंड नहीं होती है, विंटर के अभी स्टार्टिंग के दिन है तो अच्छी ग्रोथ करते हैं, उनकी कटिंग लग जाती है। यहाँ पे ये वॉकिंग आयरिस है, इसमें इस तरीके का जैसे स्पाइडर प्लांट में बनता है ना इस तरीके का जो ब्रांचेस हो जाती हैं, बस इसको यहाँ से आप कट करके लगा दो तो ये लग जाता है। वैसे जो इसका प्रॉपर जो लगाने का तरीका जो कि मैंने आज तक देखा और जाना था वो ये था कि आपको रूट डिवीजन से मतलब प्लांट जो बेबी प्लांट निकलते हैं उसको सेपरेट करना हो, लेकिन फिर मैंने ये वाला मेथड ट्राई किया और इससे आप देख सकते हो रिज़ल्ट आपके सामने, बॉटल में एक प्लांट तैयार हो गया। तो बस इसके लिए फिर आपको पॉट को खाली करके सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये श्रिम प्लांट है, और श्रिम प्लांट भी बहुत ही अच्छी इस समय फ्लावरिंग करते हैं और काफ़ी सारे कलर्स में भी आते हैं, तो कहीं से भी आपको छोटी सी कटिंग भी इसकी मिल जाती है तो आप श्रिम्प को लगा सकते हो। और इस बॉटल में मैंने कई सारी जो है कटिंग्स लगा दी है,
तो छोटी छोटी कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप इस समय लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री में प्लांट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेलेस्टोमा है, और ये ट्रेलिंग मेलेस्टोमा है जिसे बेगम बहार जो है की लतर भी बोलते हैं। तो ये भी प्लांट जो है बिल्कुल, इसकी भी जो ब्रांचेज होती हैं अगर आप कट करोगे कभी तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पुदीने की तरीके से या फिर क्रीपिंग चाली की तरीके से होता है। तो बहुत तेज़ गर्मी होने के टाइम में नहीं लगता है ये, लेकिन इस समय आप देखोगे ना, ये मैंने सारे कटिंग ही लगा रखा है इसमें, और ये इसमें इस समय फ्लावरिंग आती है, तो बहुत प्यारे पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लेना। ये इसका मदर प्लांट है, और इसी की जो है ब्रांचेस जो लंबी हो रही थी वो मैंने ऐसे छोटे से पॉट में डाल दिया है। बिल्कुल सैंडी सा पॉटिंग मिक्स रखना है, टिकरी ना लगाओ तो अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने बहुत सारे बोलीवियन जू इसका जो बड़ा प्लांट था उससे प्रून की थी, ब्रांचेस तो सब ऐसे पॉट में डाल दिए। तो जिनकी भी कटिंग ना नहीं लगती है ना इस समय, इस तरीके के जो है ना बोलीवियन जू टर्टल वाइन बहुत सारे लोग के नहीं लग पाते, बस कुछ मत करो आप, वो कटिंग को किसी गमले में डाल दो तो भी लग जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है यूफोर्बिया मिली, यूफोर्बिया मिली बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आते हैं और हार्डी प्लांट होता है, तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हो। यहाँ पर रोज़ है, रोज़ का तो बिल्कुल फ्लावरिंग सीज़न विंटर होता है, तो इस समय जो है आप देसी वैरायटी के रोज़ या फिर क्रीपिंग वाले जो रोज़ प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने दो कटिंग लगाई थी इस उसमें पॉट में, तो इसमें से एक चल गई है। इसके अलावा कुछ एयर लेयरिंग या फिर सॉयल लेयरिंग भी आप कर सकते हो इस समय। ये जो प्लांट है यहाँ पे देख रहे हो ये गणेश वाइन है, तो गणेश वाइन या फिर स्नेल वाइन बोलते हैं इसको, तो इसमें जो है ये सॉयल लेयरिंग से ग्रो किया जाता है या सीड्स से, तो सीड्स इस प्लांट में कम बनते हैं, तो अधिकतर ना ये सॉयल लेयरिंग से ग्रो किया जाता है। तो मैंने ये सॉयल लेयरिंग से ग्रो किया है और ये सिर्फ 10 डेज में ही इसमें रूट्स आ गई थी, और ये मैंने कल शाम को मदर प्लांट से सेपरेट किया, और यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है ये देख सकते हो। तो बस इसी तरीके से बहुत सारे और भी प्लांट्स होंगे जो कि इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, आप लोगों की नज़र में होंगे, उन्हें आप भी कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।